सो गाइस हमने मंगवाया कुछ आर्ट मटेरियल, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनरैप्ड करते हैं। तो चलिए इसको अनरैप करते हैं सबसे पहले। कट जा एक बार में, कट नहीं रहे, कट जा कट जा कट जा, कट गई कट कट गई। अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर बबल वाला जो एक आता है पॉलीथीन जैसा वो है, इसके अंदर हमारा पेंसिल एक्सटेंडर। तो इसको फोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है इसको। तो ये रहा हमारा पेंसिल एक्सटेंडर। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं इससे बाहर और देखते हैं इसका लुक कैसा है। तो ये रहा कुछ इसका लुक, ऐसे ही लग रहा है जो कि थोड़ा कुछ ब्लैक कलर में है, ब्लैक नहीं तो ग्रे कलर में है कुछ करके। तो ये दो पीस में आया हुआ है जो कि मुझे 199 मीन्स 200 के करीब लगभग पड़ गया है। तुम भी पहली बार इस चीज़ को लिया हूँ तो देखते हैं इसका कैसा है। तो फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में आया पेंसिल स्टैंड, काफ़ी अच्छा लग रहा है मैट फिनिश्ड में। और ऊपर इसमें एक रिंग लगी है जिसको आप पीछे होल्ड करके डाउन करने के बाद आप इसमें अपनी पेंसिल को इजीली सेट कर सकते हो। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I breathe, but that's alright. तो वैसे चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है जो कि काफ़ी छोटी हो गई है साइज़ में, तो सबसे पहले इसको पेंसिल एक्सटेंडर में एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले इस रिंग को हम नीचे करते हैं, फिर अपनी पेंसिल को इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद हम अपनी रिंग को फिर से ऊपर कर देते हैं। तो हमारी पेंसिल अब सेट हो गई, आप इसको ईजिली अब यूज़ कर सकते हो। आपको इसको निकालना हो तो आप इसको फिर से नीचे डाउन करके आप इसको फिर से पेंसिल निकाल सकते हैं और अपना रख सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आ गया होगा। तो हम अभी तक इस तरह का एक्सटेंडर यूज़ करते थे जो कि होममेड था, हैंडमेड, तो कुछ ऐसा था। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसके बिना अपना काम नहीं कर सकते, तो आप इस तरह भी बना के अपना काम कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।